अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नुमान और आपको गैजेट लवर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, एक ये क्विक टिप थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है एंड्रॉयड की जो कि वीडियोस को हाइड कर सकती है। और कुछ पर्सनल वीडियोस होती हैं कि दोस्तों को मोबाइल देते हैं लेकिन हम उनको वो वीडियोस शो नहीं करना चाहते, तो ये उन वीडियोस के लिए बहुत ही अच्छी ऐप है जो गायब हो जाएगी आपकी वीडियो से। जैसे कि मैं आपको बिल्कुल सब कुछ करके दिखाऊंगा किस तरह वीडियो गायब होगी, आपको नहीं मिले, किसी को नहीं मिलेगी, बाद में आप उसको निकाल सकते हैं, किस तरह रिकवर कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम अपने मेन्यू में जाएंगे। ये आ गया मेरा मेन्यू, इसमें हम ये देखते हैं पहले एम एक्स प्लेयर ओपन करके इसके अंदर देखते हैं। ये दो वीडियोस पड़ी हुई हैं नुमान पर्सनल में, ये एक फ़ोल्डर है नुमान पर्सनल के नाम का, ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर पड़ी हुई हैं दो वीडियोस, ये सामने लिखा हुआ है। इसको ओपन करेंगे, ये देखेंगे गैजेट लवर्स एंड एप्पल लवर्स के नाम की दो वीडियोस हैं। गैजेट लवर्स की मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ, 6 सेकेंड्स की है। ये मैंने बनाई थी इस वीडियो का इंट्रो बनाने के लिए, लेकिन ये इंट्रो में नहीं लगा अभी तक। ठीक है दोस्तों, अभी मैं ये वीडियो गायब करने लगा हूँ। अभी आप देखें इसको किस तरह मैंने हाइड करना है। मैं दोबारा अपने मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ पे एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली हुई है, प्ले स्टोर से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ये देखिए, प्ले स्टोर ओपन करता हूँ मैं, और प्ले स्टोर में आके यहाँ पे लिखना है वीडियो लॉकर और इसको सर्च कर देना है। ये सबसे ऊपर आ गया, सबसे टॉप में इसका रिज़ल्ट आ गया, वीडियो लॉकर हाइड वीडियोस। ओपन पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हुआ है। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। ये जैसे ही ओपन होगा तो आपसे पूछेगा आपका पासवर्ड जो आप न्यू रखना चाहते हैं। आप उसका कुछ भी कोड रखते हैं अपना, 4 डिजिट्स का, ठीक है, तो आपका ये लॉक लग जाएगा। मैं अभी अपना पासवर्ड ऑन कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मैंने अभी ये ऐड आ गई है, इसको क्लोज़ करता हूँ। ये 3 फोल्डर मुझे यहाँ से मिले हैं, एक है वीडियो लॉकर, दूसरा वीडियो लॉकर, तीसरा वीडियो लॉकर। ओपन करूँगा इसका, देखिए नाम चेंज हो गया, अभी लोडिंग हो गई है। प्राइवेट वीडियोस, मूवीज़ एंड टीवी शोज़, मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर भी ऐड कर सकता हूँ। ये नीचे फोल्डर की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा और ये क्रिएट न्यू फोल्डर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नुमान पर्सनल। और इसको सेव कर देता हूँ। ये आपके सामने चौथा फोल्डर आ गया, शो हो गया नुमान पर्सनल। अभी वीडियोस को कैसे हाइड करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। फोल्डर जिसके अंदर आपने वीडियोस रखना है उसको ओपन करेंगे और ये नीचे जो प्लस का निशान आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये प्लस के ऊपर क्लिक किया और ये सारी वीडियोज़ शो हो गई हैं। रिकमेंडेड मास्टर, रिकॉर्डेड मास्टर वीडियोज़, ये हमें नहीं चाहिए। हम डाउन एरो करेंगे, ये सारे के सारे फोल्डर्स आ गए, नुमान पर्सनल में जाएंगे और यहाँ पे ये दो वीडियोस पड़ी हुई हैं, एक है एप्पल लवर्स की, दूसरा गैजेट लवर्स की। मैं गैजेट लवर्स की सिलेक्ट करके और नीचे ये हाइड वन सिलेक्टेड लिखा हुआ है इसको क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये पूछा है नुमान पर्सनल में आपने सेव करना है, सिलेक्ट किया और मैं बोलूँगा ओके, इसके अंदर सेव कर दो। ये बता रहा है जी आपका, डोंट शो पे क्लिक कर देता हूँ। एक वीडियो हैव बीन इम्पोर्टेड, इसके अंदर इम्पोर्ट हो चुकी है, डन कर दूंगा। और अभी अगर मैं जाके अपने एम एक्स प्लेयर में चेक करूं तो मुझे वो वीडियो नहीं मिलेगी। ये देखें, यहाँ पे सिर्फ एप्पल लवर्स रह गया, गैजेट लवर्स ख़त्म हो गया। यहाँ से इस तरह आपकी जो पर्सनल वीडियोस होंगी वो आपकी होंगी मोबाइल के अंदर, लेकिन यहाँ से गायब हो जाएंगी, कोई भी चेक नहीं कर सकता। दोबारा मैं आपको वापस ला के दिखाता हूँ आपने क्या करना है। दोबारा से वीडियो लॉकर का जो एप्लीकेशन है इसको ऑन करना है, अपना जो कोड दिया होगा 4 डिजिट्स का उसको लगा के पिन को ऑन करना है। ऐड आ गया, ऐड को बंद कर दिया, ये आ गया नुमान पर्सनल के अंदर। ये एक वीडियो पड़ी हुई है 6 सेकेंड्स की और ये वही है गैजेट लवर्स वाली। इसके ऊपर मैं टच करके रखूँगा और ये सिलेक्ट हो जाएगी और नीचे ये 4 ऑप्शंस आ गई हैं। सबसे पहली ऑप्शन है अनलॉक करने के, जिसके ऊपर लॉक के निशान बना हुआ लेकिन ये अनलॉक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, मुझे पूछा किस जगह पर आपने इसको अनलॉक कर रहे हैं। यहाँ से अपनी सेटिंग कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, किसी भी फोल्डर में उसको लेके जा सकता हूँ। फ़िलहाल ये मुझे चाहिए DCIM, इस फोल्डर में अपने रख रहा हूँ, ठीक है। इसको अनहाइड कर दिया, ओके कर दिया।
अभी वापस 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 ख़त्म कर दिया सब कुछ, मैं जाऊंगा MX प्लेयर में और यहाँ पे आके मैं ढूंढता हूँ मैंने वो वीडियो कहाँ पे रख दिया, एक वीडियो सिर्फ। इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश, नुमान पर्सनल में एक वीडियो आ गई है। ये नीचे इंटरनल, ये देखिए इंटरनेट, अच्छा इंटरनल मेमोरी लिखा हुआ, इसको ओपन करूँगा और इसके अंदर मेरी गैजेट लवर्स की ये वीडियो आ गई। ठीक हो गया, देखा इस तरह आप किसी भी फोल्डर के अंदर इसको वापस इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फोल्डर याद हो कि किसके अंदर से आपने इसको उठाया था, उसी के अंदर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। मैं अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आपने जो वीडियो हाइड की हुई है आपको हिडन ही रहेगी और वो प्ले भी हो जाएगी। आपने क्या करना है, जिस फोल्डर में उसको सेव किया हुआ, जैसे नुमान पर्सनल, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, इस वीडियो को हाइड कर लेता हूँ, ये हाइड हो गया। अभी ये लॉकर के अंदर ही है, यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और ये प्ले होने के लिए पूछेगा आप किस प्लेयर में इसको प्ले करना चाहते हैं, तो मैं किसी भी प्लेयर में इसको प्ले कर लूँगा और ये प्ले हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।